एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बिल्कुल आसान है और दोनों रेसिपी आपको एक ही वीडियो में देखने मिलेगी। देखिए कितने बेहतरीन छोले बने हैं और भटूरे कितने सॉफ्ट बने हैं, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं और रेस्टोरेंट का ढाबे का मज़ा आप घर पर ले सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने यहाँ पर एक कप काबुली चने लिए हैं और इसे हमने ओवरनाइट भीगने के लिए रख दिया था, तो अच्छे से फूले फूले हो गए हैं। इसे हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। ये खड़े मसाले का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसकी हमें पोटली बनानी है। हमने यहाँ पे 4 लौंग लिए हैं, काली मोटी इलायची ली है, 1.5 इंच हमने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे हरी इलायची ली है, स्टार फूल लिया है 1 और 7 से 8 हमने ब्लैक पेपर लिए हैं और 2 टीस्पून हमने यहाँ पे चाय पाउडर ली है। ये चाय पाउडर का हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि चने जो है इसे अच्छा सा कलर आ जाए और हल्का सा भी एक फ्लेवर आ जाए। तो ये इन सारी चीज़ों की हम पोटली बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉटन क्लॉथ लिया है, कॉटन का कपड़ा लिया है और इसके हमें पोटली बनानी है। तो इस तरह से हम पोटली को बांध लेते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। चने को हमें प्रेशर कुक करना है तो कुकर में हम चने को डाल देते हैं, उसी में हम ये पोटली बनाई है, वो पोटली भी हम इसमें ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे 1.5 ग्लास। हमने यहाँ पे 1.5 ग्लास 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है और नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है। इस तरह से पोटली को अंदर तक अच्छे से डुबोना है और अब हम इसे प्रेशर कुक करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, मैदे में हमें ये इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून चीनी ली है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है। तो ये तीनों चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। हमने यहाँ पे 1/2 कप दही लिया है। और ये दही के साथ हम इसे गूंदेंगे। दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम हाथ में पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, बॉयल पानी नहीं लेना है, हल्का गर्म होना चाहिए। और कितना पानी लगेगा मैं आपको एंड में बताती हूँ। आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें इस स्टेज पर रवा ऐड करेंगे, बारीक वाला 0 नंबर वाला हमने यहाँ पर रवा इस्तेमाल किया है। और 1/4 कप रवा लेना है, यानी कि 1/4 कप 1/4 कप हमने रवे का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और रवे को भी हम इस तरह से आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और गूंद लेंगे। आटे को हमने सॉफ्ट गूंद लिया है और बचा हुआ तेल जो है वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लेते हैं, देखिए। और इसी तरह सॉफ्ट होना ज़रूरी है आटा, और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से पटक लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हल्का फूल जाए। ये जो हमने मैदा यहाँ पे और रवा इस्तेमाल किया है ये झट से फूलने के लिए इस तरह से इसे इस तरह पटका जाता है। ये हल्का लूज होता है और फूलने लगता है। और अब हम इसे इस तरह से डो बना कर रखेंगे, ऊपर से फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ढककर रखना है 1/2 घंटे के लिए। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हो, 1 घंटे तक भी रख सकते हो। तो अब हम इसे ढक देते हैं। पर मैदे को गूंद लिया है तो आटे को गूंदने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया लिया है। और पैन में हम ये मसाले भूनने हैं। हमने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून धनिया लिया है, साबित वाला धनिया। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जीरा, 1 टेबलस्पून हमने लिया है।
और 7 से 8 हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिए है, 1.5 इंच हमने यहाँ पर लिया है ये दालचीनी का टुकड़ा, 4 हमने लौंग लिए है, 1 मोटी वाली काली इलायची ली है और यहाँ पर हमने ये अनारदाना लिया है, ये सूखा हुआ अनारदाना है। अगर आप आपके पास अगर ये अनारदाना नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर अनारदाना लिया है 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर आप 1/2 टीस्पून ले सकते हो, आप चेक करके ऐड करना क्योंकि उससे खटाई होती है। और ये हमने यहाँ पे अजवाइन लिया है 1/2 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है, भूनना है, तो लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक भून लेते हैं। सारे मसालों को हमने रोस्ट कर लिया है, भून लिया है, खुशबू आ रही है, तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। पैन अभी गर्म ही है, गर्म पैन में हम 4 लाल मिर्च ऐड करेंगे, सूखी हुई मिर्चें है रेड वाली, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये तेज पत्ता लिया है तो इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमें लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें इस तरह से इसे ये रोस्ट करना है। 4 मिर्चें और 3 तेज पत्ते हमने यहाँ पर लिए है और इसे हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ही रोस्ट करना है। अगर हमने मसाले को एक प्लेट में निकाल लिया है और अब ये मसाला ठंडा होने के बाद हम इसे पीसेंगे, दरदर ऐसा इसे पीसना है, इसका पाउडर बनाना है। चने को हमने प्रेशर कुक कर लिया है और चने देखिए कितने बेहतरीन पक गए हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा चना हमारा पक चुका है। तो अब हम इसे एक साइड में रखते हैं, मसाले को पीसकर हमने उसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो अब हम छोले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बर्तन लिया है और बर्तन में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है तो उसी वक्त हम ऐड करेंगे हींग। हमने यहाँ पर हींग लिया है बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी कम, 1/4 चम्मच से थोड़ा कम हींग लिया है। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने यहाँ पे हींग का इस्तेमाल किया है। अगर आप हींग नहीं खाते हो तो हींग को स्किप कर सकते हो। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, हमने बिग साइज़ के प्याज को, बड़े साइज़ के प्याज को हमने इस तरह से चॉप काट लिया है और इसे गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। हमारे अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, सुनहरी कलर हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। हमने यहाँ पे टोमेटो को प्यूरी कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। तेल ऊपर आने तक टोमेटो की प्यूरी को हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छे से इस तरह से चम्मच से चला लिया है। टोमेटो प्यूरी हमने जहाँ यहाँ पे इस्तेमाल की है, मीडियम साइज़ के 2 टोमेटो की प्यूरी बना ली थी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून हमने ली है 1 चाय का चम्मच, और अच्छे से स्टर करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने इसमें ऐड करने के बाद फिर से 1 मिनट अच्छे से स्टर कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने रेड चिली पाउडर लिए, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, 1 टीस्पून लिए है। हल्दी पाउडर हमने 1/4 टीस्पून लिए, यानी कि 1/4 टीस्पून लिए है, और नमक लिया है स्वादानुसार 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया, आप अपने स्वादानुसार ऐड करना। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमने मसाला बनाया है वो भी हम इसमें डाल देते हैं, ये सारा मसाला इसमें चला गया है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे और 1 हरी मिर्ची को स्लेट कर लिया है तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे मसाले को। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को भूनेंगे ताकि मसाले हमें जले नहीं हमारे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चने जो हमने यहाँ पे बॉईल करके रख दिए थे, ये जो इसकी पोटली है इसे हम बाहर निकालेंगे और चने को हम इसमें पानी के साथ ऐड करेंगे मसाले में और अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। चने को हमने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी ताकि अच्छे से चने और मसाले का जो फ्लेवर है अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह कुक करने के लिए रख देते हैं और फ्लेम को हम लो रखेंगे। हम इस तरह से इसे ढककर रखेंगे लो फ्लेम पे।
15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये छोले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे ये ऊपर से। छोले बनकर रेडी हो गए हैं और अब हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आधा घंटा हो चुका है और देखिए आटा कितना अच्छे से फूल गया है। तो अब हम भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। भटूरे बनाने से पहले हम इसे 5 मिनट अच्छे से इस तरह से गूंदेंगे। डो को हमने अच्छे से गूंद लिया और उसके हमने इस तरह से बॉल बना लिए हैं और अब इस बॉल को हम कॉटन के कपड़े से ढक कर रखेंगे और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेंगे उसी तरह बेलेंगे और फ्राई करेंगे। और बेलन लिया है, एक वाटी में हमने यहाँ पर तेल लिया है और इसमें से हम एक बॉल लेंगे। थोड़ा ये आटा जो है ये स्टिकी होता है पर हमें इसे संभालना ज़रूरी है, तेल हाथों को लगाकर इसे हमें संभालना होगा। और इस तरह से हम इसे तेल लगाकर बेलेंगे। आपको अगर सर्कल शेप पसंद है तो आप सर्कल शेप में भी बेल सकते हैं। हम इसे ओवल शेप में बेलेंगे क्योंकि इससे पहले भी मैंने भटूरे की रेसिपी अपलोड की है तो वो सर्कल शेप में बनाई गई है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे इस तरह ओवल शेप देंगे। ओवल शेप में इसे बेल लिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम तेल में डालेंगे ऊपर से हम इस तरह से तेल उड़ाएंगे भटूरे के ऊपर। देखिए भटूरा कैसे फूल रहा है और अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन सा भटूरा हमारा बन गया है और कितना फूला फूला बना है, बिल्कुल बलून की तरह फूल गया है। और इसी तरह ये भटूरा फूला हुआ खाने में मज़े का लगता है। तो अब हम इसी तरह सारे भटूरे बना लेते हैं। छोले भटूरे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और हमने इन्हें सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये रेसिपी, मज़े की बनी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।